नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 3 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व पर्यटक दिवस मनाया गया है, यह 27 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 27 सितंबर। दोस्तों इसी प्रकार आज के वीडियो के अंत में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो पुरुष एकल का मेन एकल का खिताब जीता है उनका नाम है केंटो मोमोता। तो केंटो मोमोता इसका राइट आंसर हो गया। तो केंटो मोमोता कौन है इनके बारे में जानते हैं। तो ये फोटो में दोस्तों आपको केंटो मोमोता दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन के बारे में जानकारी देखते हैं। तो जानकारी है, जापान के शीर्ष रैंक के केंटो मोमोता ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में ताइवान के चोउ टियन चेन को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के फाइनल में चीनी खिलाड़ी ही बिजियानाओ याओ ने थाईलैंड की रताचानोक इंतानोन को हराया है। तो महिला जो फाइनल है उसमें विजेता कौन रही है, और उनका नाम है बिंग जियाओ, ये है विजेता रही हैं। और पुरुष एकल में जो विजेता रहे हैं उनका नाम है केंटो मोमोता। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के साथ को आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। या दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अब सुन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी के किस दिग्गज का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसके लीडर कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उसकी टीम के वी गणेशन का हाल ही में निधन हो गया है। तो वी गणेशन है इसका राइट आंसर हो गया। तो वी गणेशन कौन थे इनके बारे में जानते हैं। ये आपको भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज इसे हम कह सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो सेना बनी थी उसके एक सदस्य वी गणेशन का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में जानते हैं। वह दोस्तों जो वी गणेशन है वह 18 साल की उम्र में नेताजी के INA में शामिल हो गए थे, और इन्होंने सिंगापुर में 6 महीने का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, और म्यांमार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें यांगून की जेल में 10 महीने तक कैद रखा गया। फिर दोस्तों उन्हें बाद में भारत वापस भेज दिया गया था, और उन्हें 2012 में राष्ट्रपति भवन में हुए एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों उन्हें केंद्र और राज्य सरकार दोनों से कॉपर प्लक्स भी मिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2019 रशिया F1 ग्रांड प्रिक्स यानी फॉर्मूला 1 जो रेस है उसके विजेता कौन बने हैं। तो 2019 की जो रशिया F1 ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस हुई है उसके जो विजेता बने हैं उसका नाम है लेविस हैमिल्टन। तो लेविस हैमिल्टन है ये इसका राइट आंसर हो गया। तो लेविस हैमिल्टन कौन है इनके बारे में जानते हैं। तो नीचे आपको फोटो में ये ट्रॉफी को चूमते हुए लेविस हैमिल्टन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है, इसके बारे में जानते हैं। तो मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लेविस हैमिल्टन ने रूस में सोची ऑटोड्रोम रेस ट्रैक पर 2019 का जो रशिया F1 ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस होती है उसको जीता है। वहीं मर्सिडीज वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के हैं उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क हैं जो मोनाको है के हैं उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों यह जो हैमिल्टन के कैरियर की 82वीं और सीजन की 9वीं जीत थी, जिन्होंने उन्होंने माइकल शूमाकर के 91 के ऑल टाइम रिकॉर्ड को 9 को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बेल्जियम में
तोरनोई सेटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता में विश्व स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसमें महिला में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक किसने जीता है, तो वो जीतने वाली भारतीय महिला का नाम है भवानी देवी। तो ये भारत की हैं भवानी देवी, जिन्होंने बेल्जियम में जो विश्व तलवारबाजी प्रतियोगिता है उसमें रजत पदक जीता है। तो इनके बारे में जानते हैं, ये फोटो में दोस्तों आपको भवानी देवी दिखाई दे रही हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन बेल्जियम में किया गया, तो बेल्जियम के बारे में देख लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की जो राजधानी है दोस्तों वह है ब्रुसेल्स में, और बेल्जियम की मुद्रा का क्या नाम है, यूरो है, यह बेल्जियम की मुद्रा है। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो भारतीय महिला भवानी देवी ने बेल्जियम में तोरनोई सेटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। वह दोस्तों फाइनल में अजरबैजान की अन्ना बसता को 15-10 से हार गई थी, इस कारण इसे रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस महिला को प्रसिद्ध कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड में, यह एक अवार्ड होता है प्रसिद्ध कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड में भारत में मीडिया की सबसे ताकतवर महिला का अवार्ड मिला है। तो मीडिया की सबसे ताकतवर महिला का जो अवार्ड मिला है वह मिला केली पुरी को, तो ये केली पुरी इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं दोस्तों केली पुरी, तो इनके बारे में आपको बताएंगे कि ये कौन है, तो आप इसे फोटो में देख सकते हैं, इनको बहुत बार टीवी पर भी आपने देखा होगा। तो भारत के दोस्तों बहुचर्चित पत्रकार हैं ये, और बिजनेस वुमन केली पुरी को अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला, सम्मान मिला है, उसका नाम है भारत में मीडिया की सबसे ताकतवर महिला का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी ब्रिटिश की जो संसद है उसमें उन्हें दिया गया है। यह सम्मान दोस्तों केली पुरी को 27 सितंबर को मिला था। तब केली पुरी को इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरमैन है, और कई सालों से ग्रुप को संभाल रही हैं, और आज तक चैनल और जो इंडिया टुडे ग्रुप आता है उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी वर्तमान में केली पुरी है। अगला प्रश्न है, विश्व सिंधी कांग्रेस WSC का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो विश्व सिंधी कांग्रेस का जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह दोस्तों लंदन में किया गया था, तो लंदन इसका सही उत्तर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देख लेते हैं, तो ये विश्व सिंधी कांग्रेस है यह क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये फोटो में आपको वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के फोटो दिखाई दे रहा है, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में उसका क्या नाम है, तो ये रूबीना शेख हैं, ये विश्व सिंधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो विश्व सिंधी कांग्रेस ने लंदन में दोस्तों सिंध पर 31वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, और WSC में प्रतिभागियों ने कार्यकर्ताओं के गायब होने, मानवाधिकारों के उल्लंघन, और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के जबरन जो धर्म परिवर्तन होता है उस जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और सिंध पर 31वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने की आलोचना की गई, और वहां बढ़ते धार्मिक अतिवाद पर रोक लगाने की जरूरत का भी मुद्दा उठाया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 150वीं जयंती इसका राइट आंसर हो गया। अब महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, तो नीचे फोटो में आपको दिखाई देगा, ये फोटो में आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के बारे में बताया गया है। तो ये फोटो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको भारत का हर नागरिक जानता है, तो भारत का हर नागरिक इनका सम्मान करता है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ वह 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 30 जनवरी को अपन शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों 1888 से 1889 में महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वह कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर के लिए प्रशिक्षण हेतु ये लंदन चले गए। वहीं 1893 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष हेतु सत्याग्रह भी किया। इसके बाद दोस्तों आगे के जीवन के बारे में देखें, तो 1915 में महात्मा गांधी वह भारत आ गए, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ वह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह हुआ था। वहीं दोस्तों 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ, जो स्थानीय किसानों का अंग्रेजी सरकार की कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया। वहीं दोस्तों 1919 की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और 1930 में दांडी मार्च
तो साबरमती से लेकर दांडी तक नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया और उसी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया उसमें भी महात्मा गांधी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे दोस्तों 1931 में लंदन में आयोजित तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। वहीं 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य जो समझौता हुआ था वो महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के जीवन का एक हिस्सा है। वहीं 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी के द्वारा की गई। वहीं दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी महात्मा गांधी के बारे में थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वहीं 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है वह दोस्तों मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मुगल सराय इसका राइट आंसर हो गया। इसके बारे में देखते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में जानते हैं दोस्तों तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान रहे वह जो स्वाधीनता आंदोलन के संग्राम में उनके योगदान के बारे में देखें तो 1921 में लाल बहादुर शास्त्री ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1930 में गांधी जी के साथ में दांडी मार्च में भाग लिया और 1942 में भारत छाड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को भारत सरकार के द्वारा 1966 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और प्रधानमंत्री जो इनका कार्यकाल रहा भारत देश के दूसरे जो प्रधानमंत्री बने थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में। जिनका कार्यकाल दोस्तों 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। उन्होंने 2 प्रसिद्ध नारे दिए। जो नारा था इनका वह 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय बाद ही इनका निधन हो गया था जो आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वह दोस्तों 28 सितंबर को मनाया गया है। तो 28 सितंबर इसका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2019 मनाया गया। तो इसके बारे में देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उसके द्वारा हर साल 28 सितंबर को सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाया जाता है। दोस्तों 2030 एजेंडा के साथ IDUAI यानी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की जो नीचे दिए गए विशिष्ट संदर्भ हैं उनके साथ विशेष प्रासंगिकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहली जो है वह ग्रामीण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी विकास में निवेश पर SDG 2 और दूसरा है शहरी पेरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय संबंध पर SDG 11 और सूचना के सार्वजनिक उपयोग के लिए संवैधानिक वैधानिक या नीति गारंटी को अपनाने और लागू करने की पहल पर SDG 16 ये जो महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है 2030 एजेंडे के साथ ही जुड़ी हुई है जिसके बारे में 28 सितंबर को हर वर्ष ये दिवस ही मनाया जाता है। इस साल 2019 में जो ये उत्सव मनाया गया दिवस मनाया गया इसकी जो थीम 3 का जो विषय था वह था लिविंग नो वन बिहाइंड यानी कोई भी पीछे ना छूट जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का यह है दिग्गज मेक्सिकन जोस जोस का हाल ही में निधन हो गया है वह क्या थे? तो दिग्गज जो मेक्सिकन जोस जोस हैं जिनका निधन हो गया ये दोस्तों एक प्रसिद्ध गायक थे मेक्सिकन गायक थे। तो ये फोटो में आपको जोस जोस मेक्सिकन दिखाई दे रहे हैं तो इनके बारे में देखते हैं। तो दिग्गज मेक्सिकन गायक जोस जोस का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें अक्सर EI प्रिंसिपल डे ला कैंसियन और द प्रिंस ऑफ सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 4 दशक से अधिक के करियर में गायक ने लाखों एल्बम बेचे और 6 ग्रेमी पुरस्कार से भी
नॉमिनेट ही हो चुके हैं, 6 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। तो ये दोस्तों था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है नीचे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा या शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है राजस्थान, नई दिल्ली, केरल और बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वह आपको हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का स्थान है, उस घंटे के स्थान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।